अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के प्री वेडिंग फंक्शन में दुनिया भर से लोग शामिल हुए थे और हर कोई की निगाहें इस इवेंट में पधारे लोगों और उनके आउटफिट्स पर थी। लेकिन हर किसी की नज़रें सिर्फ अंबानी फैमिली की महिलाओं पर ही टिक गई। दरअसल उनका फैशन सेंस इतना ज़बरदस्त है कि हर कोई उनके आउटफिट की चर्चा करने लगा है। सोशल मीडिया पर इस समय ईशा अंबानी के एक आउटफिट की भी काफ़ी चर्चाएँ हो रही है। दरअसल अपने भाई के प्री वेडिंग फंक्शन के लिए ईशा अंबानी ने जो ब्लाउज कैरी किया था वो उनकी रियल ज्वेलरी से बनाया गया था। जी हाँ, रियल ज्वेलरी यानी कि हीरे और पन्ने की ज्वेलरी से एक ब्लाउज क्रिएट किया गया था। राधिका और अनंत के प्री वेडिंग फंक्शन में हर दिन के लिए ईशा ने कुछ अलग तरीके का लुक क्रिएट किया था। लेकिन सबसे ज़्यादा जो लुक उनका वायरल हुआ वो था लाल रंग का लहंगा लुक। इसमें वो काफ़ी खूबसूरत भी लग रही थी। इस पूरे लहंगे में सबसे खास रहा उनका ब्लाउज, जिसे फेमस डिजाइनर अपुचानी संदीप खोसला ने डिज़ाइन किया था। इस ब्लाउज को किस तरीके से डिज़ाइन किया उसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अगर ईशा के लहंगे के ब्लाउज को बारीकी से देखा जाए तो आपको उसमें पता चलेगा कि इसमें जड़ाऊ गहने लगे हुए थे। अपुचानी संदीप खोसला ने अपने सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए बताया है कि इसमें उनके नए और पुराने जेवर को लगाया गया है, जिन्हें गुजरात और राजस्थान से मंगवाया गया था। वीडियो में बताया गया है कि ईशा के इस ब्लाउज में न सिर्फ डायमंड बल्कि पुलकी, रूबी, एमराल्ड समेत कई रत्नों का इस्तेमाल किया गया था। और इसकी खास बात यह है कि सभी रत्नों को हाथ से लगाया गया है, मशीन का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया गया था। इसी वजह से ये ब्लाउज सुंदर होने के साथ साथ काफ़ी लग्जरियस भी था। इस लुक को और भी खूबसूरत बनाने के लिए ईशा ने अपनी शादी की ज्वेलरी को ही रिपीट किया था। ये हीरो से बनी मल्टी लेयर ज्वेलरी इस लुक को और भी ज़्यादा निखार रही थी। ईशा अंबानी का यह ब्लाउज बनने में जितना खास था उतना ही ज़्यादा इसमें समय भी लगा था। यह आउटफिट भारी कढ़ाई वाले लहंगा स्कर्ट और मैचिंग दुपट्टे के साथ आया था। तो दोस्तों, आपको ईशा का यह लुक और उनका यह ब्लाउज कैसा लगा हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताएँ। और भी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें गजब खबरें।